हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए कोर्स करना तो चाहते हैं लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी केजेएमयू का, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे मेरे चैनल के थ्रू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं। नेमिंग रिएक्शन की वजह से 2021 में मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो बनाई थी, तो वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। केमिस्ट्री की कोई वीडियो छोड़ के मत जाइएगा चैनल से, और बायोलॉजी तो कर ही रहे होंगे। तो चलिए इसमें देख लीजिए कुछ अच्छे अच्छे जो नेमिंग रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सब वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे देखिए इसमें क्या चीज़ है, गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। अगर पूछता है कि गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या बनती है, तो आपका गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजीन रिंग होता है, SCN SCL वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, फिर आपको ये देखिए बेंजल्डिहाइड मिलता है और साथ में NH4Cl आपका बनता है। नेक्स्ट में गैटरमान कोच रिएक्शन देखते हैं। कोच मतलब CO को, ये देखिए CO है, कोच में CO आपको ज़रूर आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड रिएजेंट लेते हैं, और बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl के साथ ट्रीट करते हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा गैटरमान रिएक्शन में। और इसमें देखिए ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीमन टीमन रिएक्शन आप बताइए। रीमन टीमन रिएक्शन जो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है टू हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड या सैल्सिलिक एसिड इसको बोल सकते हैं। देख लीजिए सैल्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है बेंजीन बनाइए, बेंजीन के ऊपर जो है आर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन पे OH लगा दीजिए और आर्थो पोजिशन पे COOH, इसी को बोलते हैं सैल्सिलिक एसिड या फिर टू हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स कार्बन और एक पे तो OH लगा ही है। तो रीमन टीमन रिएक्शन में दो चीज़ याद करेंगे, सैल्सिलिक एसिड बनता है और सैल्सिलडिहाइड भी बनता है। तो सैल्सिलडिहाइड कब बनेगा, जब क्लोरोफॉर्म को ये देख लीजिए ये क्या लिखा है, फिनाल है, फिनाल को जब आप क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो सैल्सिलडिहाइड बनता है। और अगर आप ये देख लीजिए CCl4 लगा दिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे COH सैल्सिलिक एसिड बनेगा। ये थोड़ा सा अंतर है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्लोरोफार्म तो एल्डिहाइड, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड तो एसिड, अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक ऑक्सीडाइज मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप का अगर ऑक्सीडाइज हो जाती है तो किस में चेंज होता है, CHO में। तो आपका टोल्यून है, टोल्यून क्या होता है, टोल्यून बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग के ऊपर आप CH3 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोल्यून हो जाता है, इसी को तो टोल्यून बोलते हैं। तो टोलिन हो जाता है, टोलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज, ये देख लीजिए ऑक्सीडाइज का चिन्ह भी बनाया गया है और ऑक्सीडाइज करा देंगे किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। पार्शियल एसिड होता है ये, तो CH3 चेंज हो जाता है CHO में, ये देख लीजिए CH3 चेंज हो गया CHO में। तो ये इटार्ड रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है। ये देखिए फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, सेम हैलाइड के साथ, ये देख लीजिए सेम एरोमेटिक हैलाइड के साथ, दो मोल लिया गया है ना तो सेम ही है ना, ये देख लीजिए सेम एरोमेटिक हैलाइड के साथ सोडियम, दो मोल सोडियम के साथ और ईथर के साथ आप गर्म करते हैं तो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, बोथ एरोमेटिक बन जाता है। तो ये देखिए टू एरिल हैलाइड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम लेंगे किसके अंदर, ड्राई ईथर के अंदर, तो आपको ये देख लीजिए एरोमेटिक एरोमेटाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट हैलाइड यूज करते हैं। एक देख लीजिए एक एरोमेटिक एरिल हैलाइड यूज किए हैं, एक एलिफैटिक एरिल हैलाइड यूज किए हैं, RCl यूज किया गया है, ये देखिए RCl बना है और ये एरोमेटिक क्लोराइड बना है, फिर आप सोडियम के साथ ट्रीट कराएंगे, सोडियम ड्राई ईथर के देखेंगे तो फिर आपका ये देख लीजिए एल्किल कोई भी एरोमेटिक एल्किन एल्डिहाइड बन जाएगा।
एरोमेटिक बनेगा, एरोमेटिक एरोमेटिक एरिल हैलाइड कोई चीज़ बनेगा, आर ये है ना, तो यही आर तो जाके जुड़ता है यहाँ पे, और ये सी एल जो था आर सी एल, सी एल इसके साथ बाहर निकल जाता है टू एन ए सी एल के साथ, और यहाँ आर जो ग्रुप आपका लगा रहेगा एलिफैटिक एरिल हैलाइड है, तो ये आपका आर जाके इस पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमाइड लेते हैं, ये देखिए एमाइड लिया गया है, एमाइड ये एमाइड लिंकेज होता है, ये एमाइड है, एमाइड कौन सा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप एमाइड ग्रुप है। अब इसको ब्रोमीन और बेस के साथ ट्रीट कराने पर प्राइमरी एमीन बनेगा, और के टू सी ओ थ्री टू के बी आर, तो आपको इसमें क्या याद करना है कि सी ओ जो होता है ये आपका गायब हो जाता है ब्रोमीन और के ओ जब लगा रहता है, तो रिएजेंट आप याद करिए ना, हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन में ब्रोमीन प्लस फोर के एवच, ये याद करना है, और क्या याद करना है, ये जो आपका सी ओ ग्रुप गायब हो जाएगा आर एन एच टू प्राइमरी एमीन बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया देखिएगा, ये देख लीजिए हाफ मान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये हाफ मान मस्टर्ड ऑयल, इसको प्राइमरी एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड यही याद करना है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ यूज करेंगे, फिर आपका ये बनेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को एच जी टू ओ टू के साथ ट्रीट करने पे, रिएक्शन करने पे आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड यस, एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसको बोलते हैं, ये एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसी को बोलते हैं, तो ये बन जाएगा ये हाफ मान मस्टर्ड आयल रिएक्शन में। ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, और इसमें बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये तीन चीज़ आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए रूजन मुंड रिएक्शन, ये भी खूब पूछता है कि रूजन मुंड रिएक्शन में क्या होता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड, ये केवल एल्डिहाइड के लिए होता है, देखिए इसमें एसिड क्लोराइड लिया गया है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, फिर ये क्या किया है हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, और रिएजेंट लिया जाता है बेरियम सल्फेट, ये देख लीजिए प्लेडियम बेरियम सल्फेट लिया जाता है, फिर आर सी एच ओ आपका एल्डिहाइड बन जाता है, तो एल्डिहाइड बनाएंगे रूजन मुंड रिएक्शन में। तो रूजन मुंड रिएक्शन में दो चीज़ आपको याद करनी है कि एसिड क्लोराइड रिएक्शन किया जाता है हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस के साथ, और इसका रिएजेंट क्या होता है प्लेडियम बेरियम सल्फेट, ये चीज़ याद कर लेनी है। और ये देख लीजिए स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल, नाइट्राइल को हाइड्रोजन गैस के साथ, और इसका रिएजेंट होता है स्टेनस क्लोराइड एस एन सी एल टू, और इसको ट्रीट करेंगे फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे फिर ये आर सी एच ओ एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए सैंडमियर रिएक्शन भी देख लीजिए एक बार, सैंडमियर रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, एक बार तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कौन सी रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, तो वो सैंडमियर रिएक्शन है जिसमें हाइलोएरिन को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, ये रिएजेंट है और ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये जो रिएक्टेंट यूज किया जाता है ऐसे रिएक्टेंट यूज किए जाएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, चार ऑप्शन देखता है देगा और पूछेगा कौन कैनिजारो रिएक्शन देता है, तो उसमें देखेंगे किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। जैसे ये देख लीजिए एच सी एच ओ, ये आपका फार्मल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड जो होता है इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते ना ही फार्मल्डिहाइड में, तो ये देखिए इसमें इसमें क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन में फार्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड 50% बेस के साथ रिएक्ट करता है, फिर एसिड और एल्कोहल बनाएगा, ये देख लीजिए इसमें आपका एसिड साल्ट बनेगा और एल्कोहल बनेगा, तो कैनिजारो रिएक्शन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उसी के साथ रिएक्शन करता है और एक एसिड बनता है कि अल्कोहल बनता है। ये देख लीजिए गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसमें आप एल्किल हैलाइड ये देख लीजिए यूज करते हैं, प्राइमरी एमीन के लिए होती है, तो ये इसमें क्या चीज़ याद करना है कि गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन बनता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग कुछ
क्वेश्चन विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन तो आप जान ही रहे होंगे, समेट्रिक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विलियम सन सिंथेसिस में समेट्रिकल और अनसमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नेमिंग रिएक्शन ख़त्म हुआ, आप अच्छे से क्वेश्चन करिए और सभी क्वेश्चन का एकदम अच्छे से आप क्या करिए उसको अच्छे से लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो नेमिंग रिएक्शन सभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करा देने हैं और 100% आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन 100% आपको मिल सकता है। सीपी नेट में कार्बिल एमीन रिएक्शन पूछा था, थोड़ा ट्विस्ट किया था क्वेश्चन को, लेकिन मैंने पिछली बार इतना ट्विस्ट करके कराया था कि जो वीडियो देखे होंगे क्वेश्चन नहीं गलत किए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से देखिए और बताइए। ये इसमें मैंने अभी बताया है कि गैब्रिल पैथलामाइड रिएक्शन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, गैब्रिल पैथलामाइड एक नेमिंग रिएक्शन है, ये यूज की जाती है क्या करने में, गैब्रिल पैथामाइड रिएक्शन यूज की जाती है बनाने में, प्रिपरेशन करने में प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन बनाने में यूज किया जाता है, प्राइमरी एरोमेटिक नहीं। मैंने दिखाया था ना ऐसे क्या बना था, RNH2 बना था, RNH2 तो बताया था, ये R जो होता है ना ये एलिफैटिक ही होगा, ना कि एरोमेटिक रिंग नहीं लगता। एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, जिसमें एलोफैटिक एलिफैटिक एमीन होती हैं, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन का मतलब उसमें रिंग होता है, तो रिंग नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय रिएक्शन नेम्स आफ्टर, अब ये देख लीजिए, ये भी मैंने बताया है अभी अभी, जल्दी बताया है, तुरंत बताया है। तो इसमें हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन अगर आप अभी देखे होंगे तो हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, हाफ मानस ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमाइड मैंने बताया था कि एमाइड जो होता है ये आपका एमाइड क्या है, एमाइड हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये एमाइड लिंकेज हो जाता है। अब ये एमाइड CO जो होता है ये आपका गायब हो जाता है और NH2 जुड़ जाता है, तो CO गायब हो जाता है। एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन्स, एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये पूरा आप लिख सकते हैं HOFF, हाफ MAN यस, हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन BROMA MIDE ब्रोमामाइड रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिफैटिक एमीन ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड, ये देख लीजिए भाई अभी मैंने कराया था, क्यों कौन सा रिएक्शन आप बताइए, अपने दिमाग में सोच लीजिए, एलिफैटिक एमीन लीजिए, एलिफैटिक एमीन ना कि एरोमेटिक, एलिफैटिक एमीन ऑन ट्रीटमेंट विथ किसके साथ, एल्कोहलिक कार्बन और डाइसल्फाइड मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो मैंने बताया था कि उसमें ब्रोमीन के साथ बेस लेंगे, तो आपका क्या हो जाता है, इसमें बताया था कि कार्बन ऐसे बताया नहीं था CH2, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये देख लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, फिर उसके बाद आप फिर उसमें जब जाते हैं इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसमें HG2Cl2 यूज करते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो वो होता है हाफ मान मस्टर्ड आयल रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है सेम। नेक्स्ट, कार्बिल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाई, भाई साहब ये एकदम समझिए पेट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाई, कार्बिल एमीन रिएक्शन जो होता है ऐसे आप लिख सकते हैं कि कार्बिल एमीन रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जिसमें केवल प्राइमरी एमीन को बनाया जाता है, तो प्राइमरी एमीन के लिए ओनली ये रिएक्शन होती है, ओनली प्राइमरी एमीन ओनली ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी एमीन बनता है और इस रिएक्शन को क्या होता है इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या करता है, ये डिस्टिंग्यूज अंतर बताता है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स में। ये देखिए इसमें क्या होता है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ और आइसोसाइनाइड बनाता है। चलिए मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ, देखिए एलिफैटिक एरोमेटिक, एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन लिख लीजिए,
आर एन एच टू, आर एन एच टू ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए आर एरोमेटिक एन एच टू लिख सकते हैं। इसमें रिएक्शन कराइए, ये देख लीजिए सी एच सी एच सी एल थ्री, सी एच ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे सी एच सी एल थ्री, ये क्लोरोफॉर्म का चिन्ह हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें बेस के साथ ट्रीट करेंगे, थ्री के ओ एच लिख लीजिए, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराइए, फिर आर एन सी आपका ये जो रिएक्शन बनेगा ना, ये बनेगा आर एन सी। एन सी क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, एन सी कहीं पे लगा है ना एन सी, तो ये आइसोसाइनाइड होता है। तो ये आपका क्या बनाता है, प्राइमरी एमीन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे मैं इसका करा दे रहा हूँ, ऐसे भी एक बेंजीन एरोमेटिक वाला भी करा दे रहा हूँ कि एरोमेटिक एमीन दिया गया है, ये क्या है एन एच टू, ये एनिलीन है और इसको ट्रीट कराया जा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ सी एच सी एल थ्री, और बेस ले रहे हैं, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एन एच टू किस में चेंज होगा, ई एन सी में चेंज हो जाएगा। अब इसमें चेंज कर दीजिए, बेंजीन लगाइए और इसके ऊपर ई एन सी लगाइए, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल आइसोसाइनाइड नाम हो जाएगा। तो प्राइमरी एमीन ही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जान लीजिए। अभी मैंने कराया दी रिएक्शन, देख लीजिए इसमें क्या लिया गया है, एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन लिया गया है। अब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, बेस भी ले लिया, और ये देख लीजिए एन सी आइसोसाइन भी बना दिया। अब ये तो आपका रिएक्शन पता है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन है। तो अच्छे से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दी रिएक्शन, ये देखिए वही चीज़ आ गया, यहाँ आर लग गया, एन एच टू क्लोरोफॉर्म बेस लग गया। अब ये बताइए कार्बिलेमीन ही रिएक्शन तो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ये देखिए ये थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है, दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्वस, बेसिसिटी बताना है कि इसमें आप बेसिसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसमें देख लीजिए 231 लिखा है, क्योंकि एथिल C2H5 के केस में है ना ये रिएक्शन, ये सी टू एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा होगा वही बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा। लेकिन इसमें 213 याद कर लीजिए, 231 यन याद कर लीजिए, सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, पहले सेकेंडरी का होगा, फिर टर्सरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा, फिर नाइट्रोजन वाले का होगा। तो सबसे अधिक सेकेंडरी देख लीजिए दिया गया है, फिर आपका इसमें सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर आपका प्राइमरी, फिर उसके बाद अमोनिया दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज मोर बेसिक, इसमें चारों में से मोर बेसिक कौन है, तो बेंजीलामाइन सबसे मोस्ट बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए और बताइए क्वेश्चन आने के चांस हैं। वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा भाई। वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, मैंने काफ़ी बार ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है कि वेक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है। वेक्टर मेयर टेस्ट एल्कोहल के लिए होता है, ऐसे मैं चलिए ऊपर थोड़ा स्लाइड करके, ये देखिए वेक्टर मेयर टेस्ट जो होता है इसमें रेड आई टू के साथ कराते हैं, आयोडीन के साथ कराते हैं रिएक्शन। अब इसमें क्या चीज़ होता है ना, रेड आयोडीन या फिर नाइट्रस एसिड यूज करते हैं रेजेंट के रूप में, NITROUS नाइट्रस एसिड यूज करते हैं। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO2 होता है। तो ये दो रेजेंट यूज किया जाता है, और इसमें वेक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, इसे लिख लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ये कौन सा कलर देता है, आर रेड कलर देता है, कौन सा कलर, रेड। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपका है तो कौन सा कलर देगा आपका, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कलर कौन सा देता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर देगा। और आपका जो टर्सरी अल्कोहल है तो इसमें कोई कलर देगा ही नहीं, कलरलेस देगा, COLOUR कलरलेस देगा। तो अब ये रिएक्शन ये आप कर सकते हैं, इन वेक्टर मेयर टेस्ट इज रेड कलर कौन देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे और सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, वेक्टर मेयर टेस्ट कौन नहीं देता, तो ये तो देगा ही, ये भी सेकेंडरी भी देगा, लेकिन टर्सरी, ये देख लीजिए CH3 का होल थ्रोआई ये टर्सरी है, तो 194 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी कोई कलर नहीं देता।
नेक्स्ट ल्यूकास टेस्ट देखिए। तो ल्यूकास टेस्ट सिंपल है, एकदम अच्छे से भी समझा देंगे। पहले मोबाइल को चार्ज लगाते हैं। तो चलिए हम लोग ल्यूकास टेस्ट देखते हैं। ल्यूकास टेस्ट होता क्या है? ल्यूकास टेस्ट पहले ही तो आपको कंसेप्ट थोड़ा बता देते हैं ना, तभी तो क्वेश्चन सब आप कर पाएंगे अच्छे से ना। तो ल्यूकास टेस्ट ये एक बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था कि ल्यूकास टेस्ट किस पे बेस्ड होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बेस्ड होता है। लिख लीजिए STABILITY, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन CARBO कार्बो CATION कार्बोकैटायन पे बेस होता है। अब इसमें ल्यूकास रेजेंट क्या होता है, पहले तो यही आपको कंफर्म होना चाहिए कि ल्यूकास रेजेंट क्या होता है। एनहाइड्रस लिख लीजिए, NHYDRUS एनहाइड्रस ZnCl2, फिर या फिर कंसंट्रेशन HCl, ये चीज़ होता है एनहाइड्रस ZnCl2 CON कंसंट्रेशन HCl, ये आपका रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है ल्यूकास रेजेंट जो होता है, अगर हम ल्यूकास रेजेंट को टर्सरी एल्कोहल के साथ अगर आपको ये ल्यूकास रेजेंट मिला दें, ल्यूकास रेजेंट अगर टर्सरी एल्कोहल के साथ मिलाएंगे तो ये जस्ट तुरंत टर्बिडिटी आपको प्रोवाइड कर देगा तुरंत। अगर सेकेंडरी को मिलाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल को अगर ल्यूकास रेजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है टर्बिडिटी बनाने में, लगभग 5 से 10 मिनट लेगा, 5 से 10 मिनट लेता है। और अगर टर्सरी एल्कोहल को ल्यूकास रेजेंट के साथ रिएक्शन करने पे नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी देता ही नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन लगाइए आप, ल्यूकास रेजेंट कौन सा है, कंसंट्रेशन HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो आप ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट करेंगे, अच्छे से देख लीजिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिख जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसके जस्ट नीचे दी कंपाउंड व्हिच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। अब ल्यूकास रेजेंट पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर पे सबसे फास्टेस्ट कौन देगा। तो टर्सरी एल्कोहल इसमें ढूंढ लीजिए, आपको बनाना अगर आ जाएगा, ये देख लीजिए ब्यूटेन, यहाँ पे 4 कार्बन आप लगा दीजिए, 4 कार्बन, एक पे ओएल लगाएंगे तो ये तो प्राइमरी हो जाएगा, इस पे लगाएंगे सेकेंडरी हो जाएगा, 2-methyl-1-propanol इस पे भी सेकेंडरी हो जाएगा लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ प्रोपेनॉल दिया गया है, 3 कार्बन पहले लगाइए और सेकंड पोजीशन पे मेथिल लगा दीजिए और सेकंड पे ही आप OHR लगाएंगे। तो ये देख लीजिए जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं तो ये आपका टर्सरी हो गया, टर्सरी अल्कोहल है। और टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्टेस्ट ल्यूकास रेजेंट देता है टर्सरी अल्कोहल के साथ, तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक नीचे और क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकास रेजेंट। अब ल्यूकास रेजेंट का आपका ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, तो टर्सरी के साथ सबसे फास्ट, फिर 5 से 10 मिनट सेकेंडरी के साथ लेगा और प्राइमरी के साथ तो टर्बिडिटी बनाता ही नहीं है। अब आपको कौन इसमें हो जाएगा आप बताइए, 197 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। तो इसमें 2-methyl-propanol, ये देख लीजिए आपका सेकंड ऑप्शन 2-methyl-2-propanol, ये टर्सरी हो जाएगा, 2-butanol आपका हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा और 1-butanol आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। आप आसानी से इसको बना सकते हैं, देख लीजिए प्रोपेनॉल दिया गया है और 2 पे मेथिल और 2 सेकंड पे ओएल, तो अभी मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, तो सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे और करेक्ट है भी। अच्छे से देखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
ये भी देखिए, दी रिएक्शन ऑफ ल्यूकास रेजेंट इज फास्टेड, सबसे तेज़ी से ल्यूकास रेजेंट किसके साथ देता है, तो टर्सरी के साथ देता है। तो इसमें देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन ल्यूकास रेजेंट कंसनट्रेशन एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू, जेड एन सी एल टू एनहाइड्रस फॉर्म मिलेंगे, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा पहले टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें देख लीजिए टर्सरी अल्कोहल एक ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ल्यूकास टेस्ट इज डन फॉर, ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, गमक्सिन इज, गमक्सिन क्या है ये क्वेश्चन आपको बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं। तो अब आप बताइए गमक्सिन क्या होता है, गमक्सिन का फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। गमक्सिन बताइए, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, या फिर बेंजिल क्लोराइड है, या फिर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, तो बताइए क्या है इसमें। और ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये कौन सा रिएक्शन है ये बताइए। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये देखिए, फिनाल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है, फिनाल को जिंक डस्ट जैसे ही लगाते हैं ना, फिनाल का क्या होता है, ये बेंजीन बना लीजिए, OH लगाइए, जिंक डस्ट जैसे ही लगता है OH को उड़ा देता है, OH को हटाएगा तुरंत, यहाँ पे ओनली बेंजीन, एक्स पोजीशन पे आपका क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। अब यहाँ CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 लिखा है, तो यहाँ पे फिर आपका CH3 जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे, फिर आपका टोल्यून बन जाएगा। ये देखिए टोल्यून बन गया। और जेड पूछ रहा है एल्कलाइन केमेनो 4 लगाया, भाई एल्कलाइन केमेनो 4 जो होता है ना, ये आपका चेंज कर देता है CH3 को CH3 को COH में, एसिड में चेंज कर देगा। तो आपका ये देखिए बेंजोइक एसिड ही तो बनेगा, बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COOH होता है। तो एकदम सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, रिमल-टीमन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अब बताइए रिमल-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है। तो मैंने बताया था कि रिमल-टीमन रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन आपका बनता है इंटरमीडिएट, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें कार्बिन क्या कैसे बनता है, कार्बिन CCl3, मैंने बताया था कि कार्बिन बनता है, कार्बिन को फिर उसके बाद यहाँ पे एक Cl निकल जाता है, फिर आपका CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बन जाता है। तो वही चीज़ है, रिएक्शन पता होगा तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यहीं पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी नेमिंग रिएक्शन जब बताया था तो ये क्वेश्चन बताया भी था। दी फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज फिनाल, देख लीजिए ऐसे फिनाल बना सकते हैं, कैसे, ऐसे फिनाल बना लीजिए, बेंजीन के ऊपर OH लगाइए, ये फिनाल हो गया, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या बनता है, बताइए, रिमल-टीमन रिएक्शन आपका बनेगा, अभी मैंने बताया भी था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शानदार क्वेश्चन, ये सभी शानदार क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से देखिएगा और लगाइएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे बन क्या रहा था, यहाँ पे सल्सल डिहाइड बन रहा था ना, और सल्सलिक एसिड कब बनता भाई, मैंने बताया था सल्सल डिहाइड जब कार्बन टेट्राक्लोराइड जब यहाँ पे अगर लगा होता तो सल्सलिक एसिड बन जाता, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म CaCl3 लगा है तो सल्सल डिहाइड ही बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्सल डिहाइड बन रहा है, CH3CHCl3 लगा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पिक्रिक एसिड इज, अब ये बताइए पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड का फार्मूला अगर पता होगा तो आप बता ले जाएंगे। पिक्रिक एसिड इज ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है, तो ट्राई नाइट्रोफिनाल कहाँ पे आपका, ट्राई नाइट्रोफिनाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए, सैल्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनाल, अब देख लीजिए सैल्सिलिक एसिड आपका आ गया, जो मैंने बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड ये देखिए CCl4 जब लेते हैं बेस के साथ तब ये चीज़ बनता है, रिमल-टीमन रिएक्शन ये भी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे, सैल्सिलिक एसिड बनता है इसमें। ये भी क्वेश्चन अभी जब मैंने बताया था ना, अच्छे से दिखाया था, दिखा दें क्या क्वेश्चन बना के आपको, देखिए ये फिनाल बनाइए फटाफट,
OH लगाइए बेंजीन पे, फिनाल हो गया। अब इस पे आप कार्बन एक रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बेस के प्रेजेंस में लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये OH तो आपका ऐसे ही बना रहेगा OH, लेकिन यहाँ पे आप COOH लगाएंगे, इसी को तो बोलते हैं COOH, यहाँ लिख लीजिए, इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो रीमन टीमन रिएक्शन में ये घटना तो होती ही है। फिनाल इज आल्सो कॉल्ड, भाई फिनाल को बोलते हैं क्या, एक बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ये देख लीजिए बेंजीन के ऊपर OH लगाइए, फिनाल होता क्या है, कार्बोलिक एसिड ही तो होती है, फिनाल का एक दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है, तो घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है आपका, कौन सा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें फिनाल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये देखिए फिनाल ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट, भाई अभी मैंने बताया था कि फिनाल को अगर OH को अगर जिंक डस्ट के साथ लगाएंगे ना, तो OH को हटा देगा, उड़ा देगा OH को, मल्ली बेंजीन बनेगा। तो 69 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मल्ली बेंजीन, अगर इसको जिंक डस्ट यहाँ डालिए तो आपका सिर्फ बेंजीन ही तो बचेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिनाल डज नॉट रिएक्ट विथ, फिनाल किसके साथ क्रिया नहीं करता, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो फिनाल जो होता है डज नॉट रिएक्ट किसके, Na2CO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या करेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बना लेते हैं तो डिकम्पोज होता है। तो वीक एसिड इसमें कौन सा है, Na2CO3, यहाँ पे ये 3 है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से देखिए बताइए। बेंजिल एल्कोहल इज ऑब्टेंड फ्रॉम बेंजल डिहाइड, अभी मैंने अभी बताया था और अच्छे से भी बताया था, तो बताइए क्वेश्चन आपको ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आप करेक्ट लगाएंगे और बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बेंजिल एल्कोहल इज ऑब्टेंड फ्रॉम बेंजल डिहाइड, अब आपका बेंजिल एल्कोहल बन रहा है किससे, बेंजल डिहाइड से बन रहा है। तो बेंजल डिहाइड मैंने बताया था इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं, CHO बेंजल डिहाइड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और बताया था एक एल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, कैनिजारो रिएक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था और ट्रिक के माध्यम से भी ये क्वेश्चन बताया था, दी रेजेंट यूज इन गैटरमान कोच, कोच बताया था, कोच जैसे ही आएंगे CO आप लगाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, गैटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखे होंगे शुरू से लास्ट तक, तो वीडियो ये सब क्वेश्चन आपके, ये भी क्वेश्चन क्रोमिल क्लोराइड लगा है और ये देख लीजिए आपका टोल्यून है, टोल्यून के साथ जब रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड को तो किस में चेंज हो जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो ऑप्शन बताइए आपका, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, CH3 चेंज होगा, CH3CHO में चेंज हो जाता है, मैंने बताया भी था, एक नेमिंग रिएक्शन भी है, तो आप सोच के बताइएगा कौन सा नेमिंग रिएक्शन था, नहीं सोचेंगे तब भी आप क्वेश्चन तो सही करना ही आपको। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बेंजल डिहाइड बनेगा, CHO ग्रुप लग जाएगा CH3 की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बेंजल डिहाइड कंडेंस विथ NN डाइमेथिल एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 गिफ्ट, तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें बताइए, इसमें मैलेकाइट ग्रीन कलर देगा, बेंजल डिहाइड कंडेंस विथ NN डाइमेथिल एनिलीन की एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, द कन्वर्जन ऑफ बेंजल डिहाइड इंटू बेंजिल एल्कोहल, ये देख लीजिए कन्वर्जन हो रहा है बेंजल डिहाइड में इंटू कहाँ से आ रहा है, बेंजिल एल्कोहल में, बेंजिल एल्कोहल से आ ही रहा है। तो भाई साहब बेंजल डिहाइड किस में चेंज हो रहा है, इसे बेंजल डिहाइड बना लीजिए CHO, बेंजल डिहाइड किस में जा रहा है, बेंजिल एल्कोहल में, तो अभी तो मैंने बताया था बेंजल डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो कैनिजारो रिएक्शन आप लगाइए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन क्या होती है, इसमें सिनेमिक एसिड बनता है, तो 42 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, 42 का ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 42 में आप जाइए और बताइए, सेकंड ऑप्शन देखिए आपका, ये आपको
आप सिनेमिक एसिड बना है, सिनेमिक एसिड ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल बाय डाइल्यूट HCl, अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है बेंजोनाइट्राइल और किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या मिलता है ये चीज़ बताना है। तो 37 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, द रिएक्शन आपको ये 37 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 में आप बेंजोइक एसिड ही लगा सकते हैं, लेकिन बेंजोइक एसिड आप अगर लगाते हैं तो कौन सा ऑप्शन, बेंजोइक एसिड ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन इज कॉमन नेम, एस्पिरिन का एक कॉमन नेम होता है ये कौन सा, तो एस्पिरिन का कॉमन नेम क्या होता है, मेथिल सैलिसिलेट कॉमन नेम होता है। बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड बनता है, तो बताइए क्या यूज किया जाता है, तो SOCl2 आप यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, सैलिसिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनाल से सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, तो इसमें तो रीमर टीमर रिएक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए, अब ये क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आ गया, CH2 देखिए लगा है, ये देखिए CH2 लगा है, मस्टर्ड में जा रहे हैं, तो ये देखिए हाफमान मस्टर्ड आयल रिएक्शन आपका हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, हिंजबर्ग रेजेंट क्या होता है, हिंजबर्ग रेजेंट आप बताइए, और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है, तो हिंजबर्ग रेजेंट आप कौन सा लगाएंगे, अच्छे से देखिए अपने दिमाग में सोचिए और बताइए। तो इसमें देखिए C6H5PSO2Cl, ये होता है हिंजबर्ग रिएजेंट, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में करें और आप लोग वीडियो को रिवाइज करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं BSc नर्सिंग का इंट्रेंस एग्जाम देने, तो आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक और अच्छा करें और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लें, और अच्छा पेपर होने के बाद आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें मुझसे और अपना रिजल्ट शो ऑफ करें, क्योंकि आपके जो जूनियर आएंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा जब उनको बताया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।